तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर पिहुआ से सामने आ रही है। बीजेपी की फाइनल लिस्ट के बाद बगावत तेज हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पिहुआ से टिकट ना मिलने से नाराज स्वामी संदीप ओंकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे पिहुआ से, और स्वामी संदीप ओंकार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, आज हजारों समर्थकों के साथ नामांकन करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पिहुआ से बता रहे हैं, बीजेपी की फाइनल लिस्ट के बाद बगावत तेज हो गई है। उन सभी विधायकों की ओर से बगावत की जा रही है जिनको टिकट ना मिला है। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ पुनित जुड़ गए हैं। जी पुनित, तो जानना चाहेंगे कि स्वामी संदीप ओंकार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है, तो क्या कुछ और ज्यादा जानकारी आप देना चाहेंगे? जैसा कि पिछले 3 वर्षों से भाजपा के नेता स्वामी संदीप ओंकार पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे, और जैसे ही यानी कि यहाँ पर लिस्ट आउट हुई, भाजपा की पहली लिस्ट आउट हुई जहाँ पर स्वामी संदीप ओंकार का नाम नहीं आने के बावजूद इन्होंने यहाँ पे संदीप सिंह का नाम यहाँ पर आया है, और उसके बाद से ही यानी कि स्वामी संदीप ओंकार निर्दलीय चुनाव लड़ने की यहाँ पे शंखनाद बजा दिया है। और जहाँ तक का आपको बता दूं कि इनके कई भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो उन्होंने भाजपा छोड़ दी है और स्वामी संदीप ओंकार के साथ उनके समर्थन में यहाँ पर आ गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय मैं मौके पर यहाँ पर मौजूद हूँ। काफी हजारों की संख्या में यहाँ पे समर्थक आना शुरू हो चुके हैं, और काफी ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर समर्थक यहाँ पर स्वामी संदीप ओंकार के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और 11 बजे के आसपास स्वामी संदीप ओंकार निर्दलीय चुनाव लड़ने की अभी घोषणा कर चुके हैं और अपना नामांकन आज यानी के भरेंगे। जी, तो स्वामी संदीप ओंकार अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को इनसे किस तरीके से जो है जन समर्थन मिलने में जो टूट हो सकती है, यानी कि ये क्या माना जा सकता है कि इनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को फर्क पड़ेगा? देखिए, बताना चाहूंगा जैसा कि स्वामी जी को यहाँ से टिकट नहीं मिली है, तो जो उनके समर्थक थे उन्होंने पहले ही भाजपा छोड़ दी थी और भाजपा छोड़ स्वामी जी के साथ आए, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि जो जो स्वामी जी का खुद का कहना है कि मेरी टक्कर में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी यहाँ पे जो टक्कर है तो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ है, और भाजपा जो प्रत्याशी है संदीप सिंह जो की पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनके साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। और बताना चाहूंगा कि ये अपनी एक तरफा जीत यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो संदीप सिंह हॉकी टीम के कैप्टन हैं और अभी बीजेपी ने इस सीट से उनको उम्मीदवार के रूप में भी उतारा है। तो अगर दोनों प्रत्याशियों की बात करें, दोनों उम्मीदवारों की बात करें, संदीप ओंकार जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सामने आने वाले हैं, और जो संदीप सिंह है वो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे। अगर दोनों के जनसमर्थन की बात की जाए तो पिहुआ से क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? ये पुनित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए, पुनित से हमारा संपर्क टूट गया। तो पिहुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी की फाइनल लिस्ट के बाद जिन विधायक को टिकट नहीं मिला उनके बगावत सुर तेज हो गए हैं, और स्वामी संदीप ओंकार आज निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे।